Yes, I'm launching my own freaking thrift store finally. It was like the most awaited decision of my life, and I wanted to make this one for the longest time now. And finally, I made it. And yes, I'm launching my own thrift store very, very soon. It's going to be live on Instagram, and I'm so happy. And if you're watching this face for the first time, then hi, my name is Kirti Agarwal, and I upload videos on fashion, beauty, and lifestyle twice or thrice a week sometimes. So stay updated for that. And updated रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब जब मेरा नया वीडियो आए, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि मेरा थ्रिफ्ट स्टोर कैसा होने वाला है, उसपे मैं क्या क्या चीजें रखने वाली हूँ, कैसी प्राइसिंग होने वाली है, एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल दैट सॉर्ट. एंड आई एम गोइंग टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर्स. सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. ओके, सो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई चैनल इज लाइक, वॉट डू आई डू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई शॉप फॉर द हॉल्स. तो मैं बहुत सारे हॉल्स बनाती हूँ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मिंत्रा टू अजियो टू वॉट नॉट. आई मीन, मैं बहुत सारे हॉल्स बनाती हूँ, तो मैं उन सब कपड़ों को करती क्या हूँ, बिकॉज रिटर्निंग ऑल ऑफ देम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. बिकॉज अगर मैंने ऐसा करा तो शायद मिंत्रा और अजियो और अमेजोन वाले मुझे 2 दिन में ब्लॉक कर देंगे. सो नो, वी डोंट रिटर्न ऑल द क्लोथ्स विच वी बाय. वट आई यूजली डू इज, जो मेरे को बिल्कुल काम नहीं आने वाले होते हैं वो मैं यूजली रिटर्न कर देती हूँ, या फिर जो मैं बता देती हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रही वो मैं डेफिनेटली रिटर्न कर देती हूँ. अदर देन दैट आई कीप ऑल द स्टफ विथ माई सेल्फ. सो देर आर फ्यू क्लोथ्स जो मेरे फैमिली मेम्बर्स को चाहिए होते हैं, या फिर अगर मुझे किसी को देने होते हैं, सो आई जस्ट कीप दैम एंड आई गिव इट टू दैम. एंड द रिमेनिंग क्लोथ्स दे स्टे विथ मी ओनली. येस, दे स्टे विथ मी ओनली. एंड फ्यू ऑफ यू गाइज ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम कि हमें ये चाहिए या फिर ये वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सो डू यू हैव दिस और नॉट. तो अगर ऐसा कुछ होता है एंड इफ यू रियली वॉन्ट दैट, देन मैं आप लोगों को वो दे देती हूँ. सो इट्स रियली गुड ऑप्शन. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, लेट्स यूटिलाइज इट समवेयर और द अदर. एंड नोबडी लिटरली लाइक्स वेस्टिंग एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं चीज़ों को वेस्ट करना. सो दैट्स वाई आई एम ओपनिंग माई ओन थ्रिफ्ट स्टोर ऑन इंस्टाग्राम, एंड इट विल बी अंडर द नेम कीर्तिज क्लॉजेट और कीर्तिज थ्रिफ्ट स्टोर. मैं इन दो नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, सो प्लीज प्लीज सजेस्ट मी अ परफेक्ट नेम फॉर माई थ्रिफ्ट स्टोर. इन दोनों में से चूज करना, कीर्तिज क्लॉजेट और कीर्तिज थ्रिफ्ट स्टोर. जो भी जिसके लिए भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे ना मुझे, मैं वही वो नाम रख दूंगी. तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि आप लोग को कौन सा ज्यादा नाम पसंद आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली वही वाला रख देने वाली हूँ. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है और उसमें कैसे कैसे हम चीजों को यू नो सेल करते हैं, या फिर हमें कैसे बुकिंग करनी होती है, कैसे मैं शिपमेंट प्रोसेस करूंगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, लाइक आई वॉज क्लीनिंग आउट माई क्लॉजेट एंड इट वॉज अ मैसिव क्लॉजेट क्लीन आउट, बिकॉज इतने सारे कपड़े मुझे मिले जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार पहने होंगे फॉर द वीडियोज, और उसके बाद मैंने उन्हें कभी भी नहीं पहना. मोस्ट ऑफ दैम हैव द टैग्स इंटैक्ट. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इतने दिनों से यहाँ पे पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं, एंड दोज आर लाइक रियली क्यूट एंड रियली गुड क्वालिटी अभी भी. तो मैंने सोचा कि उनको क्यों ना यूज करा जाए. दैट्स द टाइम जब मेरे दिमाग में आया कि एक थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करते हैं. सो आई थॉट लेट्स डू इट दिस टाइम, और इसको और प्रोकेस्टिनेट नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर मैं ऐसे ही करती रही तो. सो थ्रिफ्ट स्टोर बेसिकली आर अ प्लेसेज जहाँ पे आप, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, माइंड इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ओनली. तो ये एक ऐसी प्लेसेज होती है जहाँ पे आपको इधर यूज और अनयूज कपड़े मिल जाते हैं एट मच लेसर प्राइजेस जो उनकी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम जारा लाइक 2 ईयर्स अगो फॉर 29.90, और ये ड्रेस अगर मैं थ्रिफ्ट स्टोर पर डालूंगी तो इट विल बी अंडर 500 or 700 rupees. तो दिस इज द थिंग कि मतलब मैंने इसको एक या दो बार पहना है. आई वोर इट ऑन माई बर्थडे एंड आई वोर इट टू अ कॉलेज फेस्ट only 2 times, and the third time I'm wearing it in this video. So मैंने इसे maximum 2 या 3 बार पहना है, and ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी खराब हुआ है, like the quality is very much intact, everything is like even the embellishments वो भी अभी तक वैसे के वैसे intact है जैसे कि वो आए थे. So I really wanted कि मैं इस dress को भी thrift store के ऊपर डाल दूँ. So thrifting का मतलब ये होता है कि हमें अच्छे कपड़े मिल रहे हैं on affordable prices, they might be used or they might not be used clothes. हो सकता है वो उन पर टैग लगा हुआ हो, कभी भी यूज ना हो, और मैं खरीद कोई भी इंसान खरीद के भूल गया हो, या फिर उसको खरीदने के बाद इतना पसंद नहीं आया हो, या फिर उसे साइज फिट नहीं होता. बिकॉज सी माई साइज इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग. मैं एक्स्ट्रा स्मॉल से मीडियम में वेरी करती रहती हूँ. सो देर आर फ्यू क्लोथ्स जो मुझे बहुत छोटे हो चुके हैं या फिर जो मुझे बहुत बड़े हैं अभी भी, तो मैं वो क्लोथ्स मेरे थ्रिफ्ट स्टोर पर डाल दूंगी. सो थ्रिफ्टिंग में बेसिकली आपको बहुत अफोर्डेबल चीजें मिल जाएंगी, एंड दोज विल बी लाइक वेरी ट्रेंडी, वेरी गुड क्वालिटी. सो मोड ऑनलाइन ही रहेगा, विद इट्स गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और वट एवर इट इज, मोड ऑनलाइन रहने वाला है उसका पेमेंट का. एंड शिपिंग में करूंगी यूजिंग लाइक अ लॉट ऑफ कुरियर सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सबसे अच्छा होता है इंडिया पोस्ट, जो गवर्नमेंट का होता है, मोस्ट ट्रस्टेड, बट वो थोड़ा टाइम भी लगाता है एक्स्ट्रा. तो उसमें या तो मैं स्पीड पोस्ट यूज कर सकती हूँ, और एल्स आई कैन यूज लाइक तिरुपति कुरियर सर्विसेज, वो बहुत अच्छा होता है, और एल्स आई कैन यूज डिलीवरी, शिप रॉकेट, बहुत सारे होते हैं. लाइक जो भी आपके प्लेस पे डिलीवर कर रहा होगा और जो सही प्राइस पड़ रहा होगा, डेफिनेटली मैं उसके अंदर करने वाली. शिपिंग चार्जेस
prices will be there, like starting from 80 rupees to 100 rupees depending on in which state do you live. Shipping charges will be there definitely. Now coming on to what kind of pieces I'm going to drop there, but before that I would like to tell you something for today. So aap dekh rahe honge maine ek bahut acha sa lip shade apply kar rakha hai, jo usually I'm not this bold sort of a person, but mujhe ye lip shade itna zyada pasand aaya this time. And you won't believe, this is not a lipstick, this is a lip serum. So I got these lip serums from Mama Earth this time. So unhone na 8 different shades launch kare hain is lip serum ke andar, and trust me, all of the 8 lip serums are in such an amazing shade. I have all 8 of them. मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ये, just because इन lip serums के अंदर vitamin C और vitamin E है. जो vitamin C है वो आप हमेशा से जानते होंगे, आपके जो skin होते हैं उसको भी brighten करने में काम आते हैं. तो vitamin C आपके lips के pigmentation को कम करने में काम आएगा और आपके जो lips हैं उनको brighten up करने में काम आएगा. And vitamin E आपके lips को nourishment देगा, एक hydration देगा. You know this lip serum is something जो थोड़ा सा apply करते time थोड़ा सा glossy सा और ऐसा liquidy रहेगा, और थोड़ी देर बाद ना थोड़ा सा time लगेगा 30-40 seconds के बाद ये ड्राई अप होने लगेगा, और ये इतना अच्छे से ड्राई हो जाएगा इवन आफ्टर गेटिंग ड्राइड ना, ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ऐसे ड्राई और पैची नहीं फील करने देगा. जस्ट बिकॉज इसके अंदर लाइट विटामिन ई है, वो आपके लिप्स को इतना हाइड्रेट और इतना नरिश करके रखेगा कि इतना अच्छा लगेगा. लाइक द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस इज लाइक रियली स्मूथ. आई रियली लव द फॉर्मुलेशन स्पेशली. एंड इसका फॉर्मुलेशन इतना क्रीमी होने के बावजूद ये बिल्कुल स्पंज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है. एंड इसको अप्लाई करना है सो इजी, इसका वॉन्ड इतना अच्छा है, आई रियली लाइक इट. एंड 12 आवर्स तक ये स्टे करता है, which is a very good thing. And this is made safe certified. This means इसके अंदर कोई toxins नहीं है, कोई chemicals नहीं है, कोई parabens वगैरह नहीं है, तो ये बिल्कुल भी harmful नहीं रहने वाला. So it's a very good thing. And Mama Earth as a brand भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, because they are like cruelty free as well. And one more thing which I really like about the Mama Earth is like whenever you buy anything from Mama Earth ना, they will link your order on the website to a tree which they'll plant. And by 2025 Mama Earth is aiming to plant 1 million trees. Like how good is that? How good of an initiative is that? और ये जो 8 different lip shades है, ये आपको Amazon पे मिल जाएंगे, Nykaa पे मिल जाएंगे, and Mama Earth की website पे भी मिल जाएंगे. And now तो Mama Earth has their own official app, both on iOS and Android as well. तो उसका भी जो link है, वो मैं आपको description box के अंदर mention कर दूँगी. And on their app and website, आप मेरा coupon code use कर सकते हो KA2022 for additional 20% off on all the products which are available there. So how good is that? आपको extra 20% का off मिल जाएगा by using that coupon code. And I will definitely suggest कि आप ये वाले जो शेड्स ना डेफिनेटली ट्राई करना, कि मुझे सारे पसंद है. एंड इनके जो एक दो रेड्स है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे लगे मुझे. आई रियली लव द फॉर्मुलेशन, द कलर्स एंड एवरीथिंग. इसमें बहुत अलग अलग शेड है, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ पिंक्स और रेड्स है, इसके अंदर न्यूड्स भी है, मजेंटा भी है, यू नो. और न्यूड्स में भी दो अलग अलग कलर है, लाइक द ब्राउन न्यूड एंड द पिंकिश न्यूड, बहुत सारे कलर्स है इसके अंदर. एंड ऑल दीज लिपस्टिक्स आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल. ओके, सो नेक्स्ट अप आई विल टेल यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीसेस आर गोइंग टू बी देयर. सो जैसा कि आपको पता है कि माय स्टाइल इज मोर ऑफ लाइक यू नो टॉप्स एंड जीन्स वाला पर्सन, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉप्स डेफिनेटली होंगे इन द साइज स्मॉल एंड मीडियम, दोनों साइजेस होने वाली है. तो स्मॉल और मीडियम दोनों साइजेस के लिए आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे. एंड देन जीन्स भी होगी बहुत सारी, शॉर्ट्स भी होंगे, स्कर्ट्स भी होंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. एंड ड्रेसेस भी होंगी, जो कि अगेन दे विल बी इन द साइज स्मॉल एंड मीडियम, बिकॉज माई साइज इज स्मॉल एंड मीडियम. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़े से और बड़े साइजेस भी रख सकूँ उसके अंदर. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी साइजेस भी इंक्लूड कर सकूँ. सो एवरीथिंग विल बी देयर ऑफ लाइक ऑल द सॉर्ट, जो भी आपको पसंद आती है, जीन्स एंड टॉप्स एंड ड्रेसेज एंड एवरीथिंग विल बी देयर. एंड फॉर नेम आई एम लाइक स्टिल वेरी कन्फ्यूज, कीर्तिज क्लॉजेट और कीर्तिज थ्रिफ्ट स्टोर. सो प्लीज सजेस्ट मी इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, आई वुड रियली लव योर सजेशंस. नाउ लेट्स कम टू द पैकेजिंग. तो पैकेजिंग मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबसे कम प्लास्टिक जो है ना वो यूज कर सकूँ, बिकॉज ऐसा क्या होता है जब भी मेरे पास मिंत्रा, अमेजोन या फिर आजियो से पार्सल आते हैं, तो वो सब प्लास्टिक वाले रैपर के अंदर होते हैं. तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन्हीं वाले प्लास्टिक रैपर्स को यूज करके आपकी पैकेजिंग कर सकूँ, ताकि मैं उन प्लास्टिक रैपर्स को यूज कर सकूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करती हूँ, मैं उन प्लास्टिक रैपर्स को सेव करके रखती हूँ फॉर माई थंबनेल्स और समथिंग, और एल्स मैं उनको प्लास्टिक वाले इंसान को दे देती हूँ टू सेल देम, लाइक बिकॉज प्लास्टिक को ऐसे थ्रो करना इन डस्टबिन इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. तो मैं अलग से उनको सेव करती हूँ, और उन प्लास्टिक वाले भैया आते हैं ना जो रद्दी लेने आते हैं, जो सारा के सारा ऐसा मटेरियल लेने आते हैं, मैं उनको दे देती हूँ, और एल्स आई कीप देम विथ मी. तो जो भी मेरे पास रैपर्स पड़े होंगे ना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको यूज करूँ, और उसके अंदर का जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है वो मैं सारा का सारा पेपर का यूज करूँ, बिकॉज पेपर इज समथिंग जो हम फिर से रीयूज भी कर सकते हैं बहुत सारा, और वो माई लैंडफिल्स को खराब भी नहीं करता इतना. तो प्लास्टिक तो मैं कम से कम यूज करने का ट्राई करूंगी फॉर श्योर. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पेपर से सारी की सारी पैकेजिंग कर सकूँ. एंड विथ एवरी
order, I'll give you guys a freebie. It can be anything, like it can be literally anything, starting from scrunchies to hairpins to sometimes maybe a clothing item maybe, or sometimes anything. Like I don't know what I'm going to put in freebies, but ha, scrunchies ya fir hairpins ya fir aisa kuch accessories to ho hi sakti, like earrings wagera aisa kuch bhi ho sakta hai. So I'm going to give a lot of freebies with my orders as well. So main chahti thi ki mera thrift store bahut hi sustainable pieces ho, jiske andar bahut zyada sustainability se sare ka sara kaam ho, like using paper and you know, उनकी प्राइजेस में इतनी रीसेंट रखूंगी कि हम सभी इजीली अफोर्ड कर पाए उसको बिल्कुल भी. आई नो अ लॉट ऑफ थ्रिफ्ट स्टोर्स आर देयर जो बहुत हाई प्राइजेस रखते हैं, बट लाइक व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्टिंग जब हम प्राइजेस इतनी ज्यादा रख रहे हैं, तो लाइक हु विल बाय दैट. आई नो दैट थिंग. तो मैं प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल रखने वाली हूँ, आई प्रॉमिस दैट यू गाइज, आई प्रॉमिस दैट फॉर श्योर. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट वट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज अबाउट ओपनिंग माई ओन थ्रिफ्ट स्टोर, लाइक लॉन्चिंग माई ओन थ्रिफ्ट स्टोर. मैंने इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में इतनी बार बताया है, बट विद माई यूट्यूब फैमिली आई हैव नेवर discuss this. So I literally wanted to sit and discuss all these things, and just let me know कि मैं क्या नाम रखूँ. I'm like super confused. By tomorrow I'm damn sure कि launch हो चुका होगा, and I'll just read all your comments, और जिसके लिए भी सबसे ज़्यादा comments आएंगे जिस भी नाम के लिए, मैं वही नाम रख देने वाली हूँ definitely. So please please tell me either Kirti's Closet or Kirti's Thrift Store. Just I'm like super confused between these two names. So please tell me कि मैं क्या नाम रख सकती हूँ. I would really really love your suggestions. अगर आपके पास और कोई भी suggestion हो regarding the thrift store, regarding the you know profile picture of the thrift store, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो. और else अगर आपने खुद का थ्रिफ्ट स्टोर बना रखा हो तो आपको पता हो कैसे कुछ क्या करते हैं, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप योर सजेशंस. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज फॉलो मी देयर. एंड अगर आपको और कोई भी सजेशंस देने हो मुझे, आप वहां पे डीएम करके भी दे सकते हो. आई वुड लव टू नो योर प्रेफरेंसेज एज वेल, कि आपको कैसी चीजें पसंद है. अगर आपको टॉप ज्यादा पसंद है, ड्रेसेस ज्यादा पसंद है, कैजुअल स्टफ ज्यादा पसंद है, तो मैं वैसा साइज स्टफ ड्रॉप करने वाली हूँ. एंड फॉर द फर्स्ट ड्रॉप आई हैव 12 to 13 things in my mind, so I think मैं वही drop करने वाली हूँ. So do let me know आपको कैसे पसंद आता है और क्या होता है. And I hope जैसे आपने मुझे यहाँ पे on my YouTube आपने मुझे इतना सारा support दिया है, I really really hope आप मेरे thrift store को भी उतना ही support करने वाले हो. And thank you so much for everything, it literally means the world to me. Thank you so much, I'm so 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 grateful to each and every one of you. And thank you so much for watching this video. And if you like this video, then please please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. And thank you so much for watching. Bye-bye.